जो ट्रेन माइंड होता है ना, जो एजुकेटेड माइंड होता है, वो चीजें डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है. एक चीज होती है इंटरेस्टिंग, एक चीज होती है रेलेवेंट. कोई चीज इंटरेस्टिंग है उसका मतलब नहीं कि वो आपकी जिंदगी में रेलेवेंट भी हो. अमेरिका में 1 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, और अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले जो पाकिस्तानी वहां मूव हुए थे उनकी तादाद अब कम हो गई है बनिस्बत उनके जो वहां पैदा हुए हैं. अब अमेरिका में पाकिस्तानी इमिग्रेशन काफी नहीं है, 60s की होगी, 70s की होगी, 3-4 waves में हुई है. तो बाय एंड लार्ज 3-4 बड़े ग्रुप्स हैं लोगों के जो काम करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फिजिशियंस बहुत बड़ा एक ग्रुप है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जो डॉक्टर्स हैं. आईटी वर्कर्स बहुत सारे हैं, उसके बाद फिर बाकी सारे हैं, राइट. सो यही 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं. तो मुझे ये भी लगता है कि देखें, अगर आप एक कम्युनिटी में जाते हैं ना और आप सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही मिलते हैं, तो आप वैसी सोच रखेंगे.